84 दिन की जंग हुई, चट्टानों पर तोपे गर्जी, माथे पर गोलियों का तिलक लगा। करगिल पर हुई इस जंग का अगर कोई नायक था तो वो भारतीय लड़ाकों के पराक्रम का रहा। जी हाँ, 1999 को इसी दिन जब करगिल में भारतीय सैनिकों ने विजय पाई और आज उस दिन को पूरा देश मना रहा है बड़े गौरव से, बड़े शौर्य के साथ, और उन शहीदों को याद कर रहा है, उनकी शहादत को याद कर रहा है जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राणों को त्याग दिया। तो चलिए आज हम बात करेंगे करगिल की और ये जानेंगे कि हमारे लोग, हमारी आज की पीढ़ी करगिल के उस विजय युद्ध को किस तरह से याद करती है और उसे कैसे पहचानती है। वो तो हमारे देश को प्रोटेक्ट करता है सभी तरह से, और मैं बहुत प्राउड हूँ कि उन्होंने ये वार हमारे लिए जीती उन दिनों में। आप जानते हैं आज क्या है? नहीं मालूम। आपको मालूम है? नहीं नहीं। आप इंडिया गेट घूमने आए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ज़्यादा चौकसी है, सुरक्षा के ज़्यादा इंतजाम किए गए हैं, तो आपको आइडिया नहीं लगा कि आज कुछ तो खास होगा? कुछ तो खास है आज, मैं बोल तो रहा हूँ इनसे। आज करगिल दिवस है, करगिल विजय दिवस। हाँ, करगिल के बारे में जानते हैं आप? जानते हैं। क्या हुआ था उस दिन? इतना नहीं मालूम क्या हुआ था। आज भारत ने विजय पाई थी, आज के दिन पाकिस्तान को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। हाँ जी, बात तो सही है। आपको पता है आज क्या है? पता नहीं। व्हाट इज द स्पेशल टुडे? अरे आज करगिल दिवस है, करगिल विजय दिवस। करगिल विजय दिवस जी, 1999 में भारत ने विजय पाई थी। ओके, आपको पता है आज क्या है? एक मिनट, 26 जुलाई, नहीं सॉरी। आपको नहीं मालूम? इंडिया गेट पर आए हैं, कुछ ज्यादा सुरक्षा चौकसी कुछ ज्यादा दिख रही है, तो कुछ अंदाजा नहीं लगा है कि आज क्या है? एक बार को सर्च कर लिया जाए, जैसे कि ये सर्च कर रहे हैं? ना ना ना, मैं तो अपने राजघाट का देख रहा हूँ, राजघाट की जरा वो देख रहा हूँ। आपको पता है आज क्या है? नो नो। आज करगिल दिवस है, पता है करगिल दिवस क्या है? नो आई डोंट नो। 1999 में पाकिस्तान को हराया था भारतीय सैनिकों ने। आपको पता है आज क्या है? नो आइडिया। आपको पता है? नो आइडिया। आज करगिल दिवस है। ओके, भारत माता की जय। आई एम सॉरी फॉर दैट, यू नो, याद नहीं रहा। आपको याद है करगिल दिवस के बारे में भी नहीं पता आपको? नहीं नहीं, वी नोस एवरीथिंग अबाउट द करगिल वॉर्स। तो अच्छा होगा कि आप इन्हें बता दें कि करगिल दिवस हमारे लिए क्या है, भारतीयों के लिए क्या है। यू नो, टोटल 615 आवर सोल्जर्स मार्टर्ड बिकॉज़ ऑफ पाकिस्तानी, यू नो, अंदर घुस गए थे 10 किलोमीटर इनसाइड आवर करगिल। नॉट वरी, दैट इज फॉर नॉट काइंड ऑफ। तो उसमें हमारे शहीद हुए थे जवान, जिसमें कैप्टन बत्रा थे, जो मेरे फेवरेट हैं, मेरे हीरो हैं वो। इट्स लाइक ए गॉड फॉर इंडिया एक्चुअली, इन टाइगर हिल, एंड वी रिस्पेक्ट दैट वन दिस। एंड जो वहाँ पर मॉन्यूमेंट है द्रास, इसका दैट्स फैंटास्टिक, इफ यू गो देयर यू बिकम वेरी इमोशनल ऑन दैट, यू नो, इट्स लाइक दैट एक्चुअली। आपको पता है आज क्या है? आज कौन सा दिन है? आज 26 जुलाई है। 26 जुलाई 1999। अच्छा, याद है कुछ आपको? नहीं। आज करगिल दिवस है, करगिल विजय दिवस। ओके, आपको पता है करगिल विजय दिवस? आप बताना चाहेंगे अपनी डॉटर को क्या एक्चुअल में क्या है करगिल दिवस? करगिल का तो वो जो युद्ध हुआ था, लड़ाई झगड़े हुए थे, बस उतना ही मालूम है मेरे। आज पता है आपको क्या है? आज करगिल दिवस है। ओके, ये अच्छा रहा कि हम जितने भी लोगों से पूछ रहे हैं उनको पता नहीं है क्या है करगिल दिवस। आपकी नज़रों में क्या है, आप किस तरह से अपने आप को सेना के प्रति यहाँ पर समर्पित करते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं? कारगिल वॉर हुई थी, तो इस दिन उन्होंने कारगिल पे जीत हुई थी उनकी। आज उनमें कैप्टन विक्रम बत्रा थे, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट दिया था वहाँ पे होते हुए। मैं इनको थोड़ा पर्सनल जानता हूँ, क्योंकि उनकी सिस्टर में ये टीचर थी नूतन बत्रा, तो अच्छा लगता है कि ये देश के लिए कुछ करते हैं। उन्होंने जिस जगह पर फाइट करने के लिए, मतलब फाइट हुई थी, उन्होंने वो तो हासिल कर ली, उन्होंने और आगे बढ़े फिर वो जीतने के लिए, तब जाके कुछ शहीद हुए इतने सारे, 507 अपने सोल्जर्स शहीद हुए थे इस दिन। तो थोड़ा हमें महसूस होता है कि थोड़ा अच्छे रहे आगे जाके। कारगिल के युद्ध के बारे में मनाया जाता है आज के दिन। आज ये वो पवित्र दिन है जिस दिन राष्ट्र के गौरव सैनिकों ने कारगिल युद्ध पर विजय प्राप्त की थी और पाकिस्तान के सैनिकों को चने चबा दिया था। इतना बड़ा ब्लास्ट किया गया था कि उनको पानी की तरह बहा दिया गया था। ये हमारे भारतीयों की वीरता की निशानी है जो सदियों तक याद रखी जाएगी और इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। भारतीय सैनिक संयम का परिचय देते हुए
कम से कम लोगों को नुकसान पहुंचाते हुए राष्ट्र के गौरव को बढ़ाता है। और हम सभी भारतीय उन लोगों को नमन करते हैं जिन्होंने देश के प्रति कुर्बानी दी और जिन्होंने युद्ध लड़ा, और जो उस समय के नेता थे वो सभी प्रशंसा के पात्र हैं। उस समय के सेनाध्यक्ष, उस समय के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी सेना के धन्यवाद के पात्र हैं। जय हिंद। तो आज हमने लोगों से जाना कि आखिरकार आज क्या दिन है और आज का ये दिन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है। हालांकि इस बीच कुछ लोग ये जान ही नहीं पाए कि आज का दिन आखिरकार में है क्या, लेकिन कुछ लोगों के बीच में ये मलाल भी देखा गया कि आज के दिन की बार की जानकारी उनको है ही नहीं। तो कैप्टन बत्रा को लेकर जिस तरह से कुछ लोगों ने अपनी राय रखी कि कैप्टन बत्रा कहीं ना कहीं उनके लिए आइडल हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि सिर्फ कैप्टन बत्रा ही नहीं, देश का हर एक सैनिक हमारे लिए आइडल है और हमारे लिए आइडल हमेशा से ही रहेगा। तो R9 TV की तरफ से हमारे देश के तमाम सैनिकों को जय हिंद। मोहम्मद राकिब के साथ मैं ऋतु बिष्ट, R9 TV, दिल्ली।